हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल दिस इज इजन और जैसे कि आ, मुझे टीसीएस में काम करते हुए यानी कि महीने से ज्यादा हो चुके हैं जी हाँ तो आज की वीडियो में मैं अपने मंथ की जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने वाला हूं। तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें मैं अपने सारे जो प्रोसेस है वो बताने वाला हूँ तीन महीने में, में मेरे साथ क्या क्या हुआ वो बताने वाला हूँ साथ में वर्क प्रेशर के बारे में भी मैं बताऊंगा जी हाँ तो अगर देखा जाए तो मैंने ज्वाइन कब किया था तो मैंने एट सेम्बर ट्वेंटी को ज्वाइन किया था जी हाँ तो आप देख सकते हो कि मैंने सितंबर में ज्वाइन किया था और अभी जनवरी आ गया तो ऑलमोस्ट तीन मंथ से ज़्यादा हो ही चुके हैं जी हाँ तो अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग के जो तीन मंथ होते हैं उसमें क्या होता है यार तो देखो स्टार्टिंग के तीन महीने में ना आपकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो तो होती ही होती है उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग होता है जो कि एक से तीन हफ्ते तक का होता है जी हाँ अगर आपके एक्सप्लोर प्रोग्राम मेंसेंट से ज्यादा परसेंटेज आ जाते हैं जी हाँ तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो तीन हफ्ते एक हफ्ते का हो जाएगा जी हाँ तो आपको दोबारा पी देने की जरूरत नहीं पड़ती आपको बस बिजनेस स्किल्स की जो ट्रेनिंग होती है उन्हें करना होता है उसके बाद आप प्रोजेक्ट में एलोकेट हो सकते हो जी हाँ लेकिन अगर आपके 80 परसेंट से कम है यानी कि अगर आपके 60, 70 परसेंट आए हैं जो हमारा आईपीए या सी जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें एक्सप्लोर प्रोग्राम के तो आपको दो हफ्ते की ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ेगी एटलीस्ट जी हाँ आफ्टर टू वीक्स वो आपका पी आर ए कंडक्ट करेंगे और अगर आप उस पी ए में स्कोर कर लेते हो अच्छे खासे तो वो आपको रिलीज कर देंगे नहीं तो अब आप तो आपका एक हफ्ते और बढ़ जाएगा और तीसरे हफ्ते में भी आपका जो एग्जाम है वो होगा जी हाँ तो प्यारे के आपको दो से तीन चांसेस मिलते हैं प्यारे क्लियर करने के जो कि आप कर सकते हो या वाली जो ट्रेनिंग होती है तो कंपलसरी ट्रेनिंग होती है अगर आप पहले भी एलोकेट हो जाते हो तो भी आपको ये ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है ऐसा नहीं है कि आप नहीं आपको ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी अगर आप पहले प्रोजेक्ट में एलोकेट हो जाते हो जैसे कुछ लोगों को पहले ही प्रोजेक्ट्स के कॉल आने लग जाते हैं बट तो अगर आप अपने ट्रेनर से बात करोगे तो वो आपको बोलेंगे कि आप पहले ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो फिर आप उस प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो जी हाँ तो ये कंपलसरी ट्रेनिंग होती है इसको आपको करना ही करना होता है तो अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग के पहले मंथ में यही होता है जी हाँ तो पहले मंथ में आपको यही होता है अगर आपको आई टी एस डोमिन में टैग कर दिया जाता है तो जो नेक्स्ट मंथ होता है उसमें आपको आई टी एस की ट्रेनिंग दी जाती है जी हाँ अब आई टी एस की ट्रेनिंग क्या होती है वो मैंने अपने ब्लॉग चैनल पर बताया था कि मेरा क्या क्या हुआ था क्या क्या पढ़ाया गया था लिनिक्स के बारे में नेटवर्किंग के बारे में वो सब मैंने बताया था कि आई टी एस की ट्रेनिंग में क्या क्या होता है तो आई होप आपने वो ब्लॉग देखा है नहीं दिखाया तो आप जाके देख सकते हो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आई की ट्रेनिंग होती है आई की ट्रेनिंग भी आपकी दो से तीन हफ्ते की होती है या फिर कोई भी अगर ट्रेनिंग है ना तो आपकी दो से तीन हफ्ते की होगी ही होगी आई टी के अलावा भी अगर आप कोई और, किसी और डोमेन में टैग कर दिया और उसकी ट्रेनिंग अगर आपको करानी इंपॉर्टेंट है तो वो डेफिनेटली एक महीने तक चलेगी यानी कि वो दो से इक्कीस दिन का ही होता है वो उनका प्रोग्राम फिर आपको दोबारा से उस ट्रेनिंग का भी प्यारे देखे क्लियर करना होता है जी तो आप समझ सकते हो कि ये प्रोसेस पूरा होता है ट्रेनिंग का और ये ज़्यादा नहीं होता है अगर आप

तो मैं भी बेंच पे था मैं ऑलमोस्ट एक महीने तक बेंच पे रहा और मुझे प्रोजेक्ट्स के कॉल आते थे, थे और उसके बाद मुझे एक प्रोजेक्ट का कॉल आया था जो जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस है जी हाँ और ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था इसमें डेवलपमेंट पार्ट है जो कि मैं अभी एंड्रॉयड और नॉर्थ जे पे काम कर रहा हूँ तो ये समझ सकते हो मतलब आपको एंड्रॉयड या फिर नॉर्थ जी इन तरह के भी डेवलपमेंट के कॉल्स आ सकते हैं तो अगर आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप बेसिक जावा सीख सकते हो या बेसिक पाइथन सीख सकते हो अगर आपको वो शौक है तो आप एंड्रॉयड वगैरह नोट जे वगैरह ये सब सीख सकते हो यानी कि फ्रंट एंड बैक एंड या कुछ भी अगर आप ए वगैरह का भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो जो आपको एक महीना मतलब अगर आप बेंच पीरियड पे हो ना अगर आपको काफ़ी टाइम मिल रहा है तो आप उसमें पढ़ाई कर सकते हो अपने टी फैक्टर इंक्रीज कर सकते हो आप फ्रेशकोप्ले से कोर्सेज कर सकते हो यूडमी से कोर्सेज कर सकते हो तो इन सब का आप यूटिलाइज कर ही सकते हो जी हाँ तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था कि मेरा दो तीन महीने इनमें भी यही हुआ था मैं प्रोजेक्ट में मेंलोकेट हुआ था किसी किसी को प्रोजेक्ट जल्दी मिल जाता है तो जल्दी प्रोजेक्ट में लोकेट हो जाता है उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है बट मेरे तीन महीने के एक्सपीरियंस में मुझे ऑलमोस्ट दो महीने बाद यानी कि अगर देखा जाए तो मुझे जो प्रोजेक्ट में एलोकेशन हुआ था वो मैं नवंबर के लास्ट दिसंबर के स्टार्टिंग में एलोकेट हुआ था जी हाँ तो ऐसा कि ट्वेंटी नाइन ऑफ नवंबर को मैं प्रोजेक्ट में एलोकेट हुआ था उससे पहले मैं प्रोजेक्ट में एलोकेट नहीं था यानी कि अगर मैं देखा तो सितंबर अक्टूबर और नवंबर भी ऑलमोस्ट पूरा मेरा इन्हीं में चला गया था अक्टूबर में मेरी की ट्रेनिंग खत्म हुई थी अक्टूबर के एंड में एंड देन तब से मैं बेंच पे ही था महीने तक तो पूरा यही प्रोसेस होता है अब अगर बात कर ले वर्क प्रेशर की तो यार देखो स्टार्टिंग के तीन महीने कोई वर्क प्रेशर नहीं होता क्योंकि ट्रेनिंग है ट्रेनिंग में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना ही होता है आप क्लियर कर लिए तो आराम से बेंच पे हो अगर आप तो भी उसमें कोई प्रेशर नहीं है और स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट में वो आपको प्रोजेक्ट की के देंगे यानी कि प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे प्रोजेक्ट के ट्रेनिंग देंगे तो उसमें भी क्या ही प्रेशर रहेगा अब जो आगे तीन महीने के बाद के जो प्रेशर है वो यार डिफरेंट डिफरेंट होता है अगर आपके टीम पे डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट लीड पे डिपेंड करता है आपका कैसा प्रोजेक्ट है आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है उस पर डिपेंड करता है बट फिर भी टी में कोई इतना प्रेशर नहीं है मैं खुद अब तीन महीने से ज़्यादा हो गया कोई इतना खास प्रेशर नहीं है लोग काफ़ी अच्छे हैं काफ़ी हेल्पफुल है एच वगैरह सब सही है तो अगर आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हो या अगर आप अच्छे से मैंटेन कर रहे हो रिलेशनशिप को तो डेफिनेटली वो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं अगर आपको डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चाहिए तो अपने से बात करो आराम से कनेक्ट करो हर किसी से बात करने की जरूरत नहीं है जो आपके लिए हो जैसे कि आपके सुपरवाइजर हो गए या फिर आपके हो गए उनसे एक अच्छे बॉन्ड बना के चलो तो 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 आपको आगे भी बहुत फायदा होगा जी तो ये तो पूरा तीन महीने का एक्सपीरियंस था जो कि मेरा था जिसमें मैंने बताया कि मैंने ट्रेनिंग की थी फिर मेरी आई की ट्रेनिंग हुई फिर मैं बेंच पे था एंड देन मैं प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ तो स्टार्टिंग के तीन महीने में यही होता है और कुछ खास नहीं होता है आप के पास अच्छा खासा वक्त होता है कि आप अपनी दूसरी चीजों को भी वक्त दे सकते हो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो तो तीन महीने तो ऐसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलते हैं जी हाँ अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने ट्रेनिंग का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ट्रेनिंग के बारे में मैं बताऊंगा कि ट्रेनिंग कैसे करना है क्या तैयारी करना है तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना और इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूं अगर आपको और भी कोई कैरियर या अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके और अगर आपको कोई भी कैरियर है तो मुझे कमेंट कर सकते हो साथ में मेरे इंस्टा पेज पर भी आके बात कर सकते हो जी और टी से रिलेटेड जितने भी क्योरी है जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में मैंने मोस्टली बनाए बनाई तो प्लीज उन्हें भी जाके जरूर चेकआउट करना इस वीडियो को तो मैं यही एंड करता हूँ मिलता है माई नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक और किसी और कंटेंट के साथ तब तक के लिए कीप वर्किंग